हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। दोस्तों, हमने एक बूस्टर बैच चरक संहिता पर तैयार किया है 10 दिन का। 10 दिन आपको 10 क्लासेस मिलेंगी, जिसमें एंटायर चरक संहिता जो है वो कवर्ड होगी। और ये जो बूस्टर बैच है, ये क्रैश कोर्स की तरह है, लेकिन इसमें जो हम आपको 10 दिन में पढ़ाने वाले हैं, उसमें एंटायर जो चरक संहिता है, लाइन टू लाइन जो भी पॉइंट्स होते हैं, एक एक पॉइंट जो पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में या एएमओ या गवर्नमेंट और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी में जो पॉइंट्स आ चुके हैं या आने वाले हैं, वो सारे हमने कवर किए हैं चैप्टर वाइज। दोस्तों, ये जो बूस्टर बैच है, ये जुलाई 1st वीक में स्टार्ट होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी हफ्ते मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। 3,000 रुपये इसकी फ़ीस है। 10 दिन का ये बूस्टर बैच होगा, जिसमें पूरी चरण संहिता हम कवर कराएंगे, लाइन टू लाइन आपको रटा देंगे। और इसमें हम आपको जो है क्लासेस जो भी पढ़ाएंगे, उसके रिगार्डिंग सारी क्लासेस एंड उसके रिगार्डिंग सारे नोट्स, वो आपको फॉर लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। मेरा दावा है कि ये जो बैच है, ये अटेंड करने के बाद आपको पूरी चरक संहिता जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगी। एंड जब आप दोबारा से रिवीजन करेंगे कोई भी एग्ज़ाम से पहले, तो 2 या 3 दिन में मात्र हमारे जो नोट्स हैं एंड हमारी क्लासेस हैं, उससे आप 2-3 दिन में पूरी चरक संहिता फिर से रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, देन यू शुड गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस बैच इमिडिएटली। इस हफ्ते जो है रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। 3,000 रुपये इस बूस्टर बैच की फ़ीस है। अगर आपको रजिस्टर्ड करवाना है, तो आप इस नंबर पर हमें जो है व्हाट्सएप करिए, एंड मैं आपको बताऊँगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दोस्तों, आजकल बहुत सारे कोचिंग क्लासेस जो हैं आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिसमें डे टू डे आप डेली एक एक चैप्टर डिटेल में जो है पढ़ते हैं। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बट इतना टाइम नहीं होता। जो की है सक्सेस की, वो यही है कि आप पढ़ते तो हैं, लेकिन आप जो है अगर रिविज़न भी करें जो आपने पढ़ा है, तो ही आपकी मेहनत सफल होती है। और रिवीजन करने का टाइम तब आपको मिलता है जब आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद रिवीजन। एंड जब आप सिलेबस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो साथ साथ में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बूस्टर बैच हमने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो डिमांड रही है, वो हमें मैसेज कर रहे हैं एंड ईमेल भेज रहे हैं कि हमें कोई ऐसा कोर्स बना के दीजिए जिसमें 100% सिलेबस भी कवर हो एंड टाइम भी कम लगे। क्योंकि हम सबको पता है कि जो भी कमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड जो मेन संहिताएं होती हैं, देखिए सब्जेक्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन चरक एंड सुश्रुत संहिता से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम पहले आपको चरक का बूस्टर बैच जो है चरक संहिता पर, वो प्रोवाइड करेंगे, एंड देन आपको सुश्रुत संहिता पर बूस्टर बैच प्रोवाइड करेंगे। मात्र 10 दिन में पूरी चरक जो है आपको लर्न करवाएंगे, ऐसा दावा कोई और आपको नहीं करेगा। क्योंकि इस कोर्स में इतने कम टाइम में एंटायर चरक संहिता, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना इतने कम टाइम में, एंड आपको अच्छे से लर्न करवाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन हमने ये बैच इस तरह से प्रिपेयर किया है कि आपको 10 दिन में ये कोर्स जो है संहिता, चरक संहिता पूरी लर्न हो जाएगी, पूर्वार्ध एंड उत्तरार्ध, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस तरह से प्रिपेयर किया है कि हम आपको दावा करते हैं कि आप 10 दिन में चरक संहिता जो है पूरी अच्छे से आपको लर्न हो जाएगी। एंड दूसरा आपका जो अगर डाउट ये भी है कि जो हमने चरक संहिता अगर पूरी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद ही हमें बूस्टर बैच जो है ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा पॉइंट टू पॉइंट कि क्या पॉइंट्स हैं, हमें बेसिक्स की अब अगर समझ नहीं है तो हमें ये बूस्टर बैच कैसे समझ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसमें मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगी कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है
कोई भी चैप्टर का, मान लीजिए एक चैप्टर हमने लिया, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी समझाऊंगी एंड पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सारे आपको बताऊंगी, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा है, बेसिक चीज़ भी आपको पूरी, मतलब ये कोर्स इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि ये कोर्स जो है फॉर बिगनर्स के लिए भी है और जिन्होंने तैयारी कर ली है एंड रिविजन करना चाहते हैं उनके लिए भी है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से बिगनर्स ही हैं जो तैयारी करना जिन्होंने स्टार्ट किया है। मान लीजिए जो BMS पास आउट है वो तो बिगनर्स ही हैं, उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट किया है। जो BMS के बाद 5 या 10 साल के बाद अभी प्रैक्टिस में है और उनका जो आयुर्वेद है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत पीछे छूट गया है, ये कोर्स उनके लिए भी है, क्योंकि इस कोर्स को इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई भी कंसेप्ट को लर्न करना सबसे इजी तब होता है जब हम उसको अच्छे से समझ लें। तो इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बिगनिंग से सारा कुछ समझाया जाएगा और इतने कम टाइम में आपको पूरी चरक संहिता जो है पढ़ाई जाएगी। कुछ इस तरह से कोर्स बनाया गया है कि टाइम कम होगा और आपको लर्निंग 100% होगी। ऐसा नहीं है कि कम टाइम में हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर कोई पॉइंट हम छोड़ दें। विमर्श, श्लोक, एंटायर चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, पूरी संहिता को हम लोग कवर करेंगे। तो कम टाइम में पूरा सिलेबस जो है चरक संहिता का पूर्वार्ध उत्तरार्ध हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे फॉर लाइफ टाइम और सिर्फ मात्र 3,000 रुपये में हम आपको ये सब प्रोवाइड भी करेंगे एंड आपको लर्न भी कराएंगे। दोस्तों ये सुनहरा मौका है चरक संहिता लर्न करने का, क्योंकि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है वो सिर्फ MCQ सॉल्व करने से नहीं होगा। मैं ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह रही हूँ, क्योंकि तुक्का 8, 10, 15, 20 क्वेश्चंस में लग सकता है, 100 क्वेश्चंस में नहीं लगता। उसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए एंड आपको एंटायर संहिता लाइन टू लाइन लर्न होनी चाहिए। इसीलिए आपको मैं ये जो है कोर्स जो है ये मैंने हमने बनाया है ताकि आपको इस तरह से लर्न करवाया जाए। नेक्स्ट टाइम से जब आप MCQs क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे तो 30 सेकंड्स में आप लोग उसका आंसर लगाएंगे, 15 सेकंड्स में आप लोग उसका आंसर लगाएंगे, क्योंकि आपको ये लर्न अच्छे से होएगी चरक संहिता लाइन टू लाइन, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो दोस्तों तैयारी इसी तरह से होनी चाहिए और इसी तरह से होगी भी अगर आप चरक का जो बूस्टर मैच है वो अटेंड कर लेंगे। तो दोस्तों जो तैयारी है, हार्ड वर्क तो करना चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क करना हार्ड वर्क से भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लीजिए आपका 10 दिन में जो है चरक संहिता पूरी कंप्लीट होगी, आपकी लर्निंग भी होगी, तो उसको कम से कम 4-5 बार रिविजन भी करना है। तो 10 दिन के बाद आप अगले 10 दिन में, मैं कहती हूँ कि आपको इतने अच्छे से लर्न हो जाएगी पूरी चरक संहिता की, 10 दिन बैच अटेंड करने के अगले 10 दिन में आप लोग इसको 2 या 3 बार रिवीजन कर ही लेंगे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सुश्रुत का बूस्टर बैच। तो दोस्तों पीछे मत रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, ये कोर्स बहुत रेयर है। देखिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको एक नट शेल जो है प्रोवाइड करती है पूरी संहिता का, लेकिन हमने वो बुक्स भी पढ़ी है, उसमें पूरी चरक संहिता जो है कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए हमने ये बूस्टर बैच खुद का बनाया है जिसमें हम लोग आपको पूरी संहिता कोई भी पॉइंट लीव नहीं करेंगे एंड लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे और 10 दिन में पढ़ाएंगे। दोस्तों ये एक मैजिक की तरह है जिसमें आपको इतने कम टाइम में पूरा एक मेन सब्जेक्ट जो है आयुर्वेद का लर्न हो जाएगा, जिसमें से क्वेश्चंस हर साल भर भर के आते हैं। इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन और आपको अपना 100% सिलेक्शन चाहिए चरक संहिता की तरफ से, तो आप इस बूस्टर बैच को ज़रूर अटेंड करिए। नमस्कार।